भाजपा से सटे कैलाशगिरी नगर में हुआ लैंडस्लाइड, चार मकान गिरे, लोगों को किया गया स्थानांतरित। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 27 जुलाई गुरुवार शाम के समय मुमरा बाईपास से सटे हुए कैलाशगिरी नगर परिसर में लैंडस्लाइड होने के कारण लगातार बारिश हो रही थी और यह पूरा पहाड़ी इलाका है। पहाड़ में लोगों ने मकान बनाए हुए हैं, वन विभाग की जमीन बताई जाती है। तो लगातार बारिश ने इस लैंडस्लाइड को अंजाम दिया। पहले एक मकान गिरा, बाद में दूसरे एक एक करके तीन मकान गिरे। हालांकि जानकारी में थोड़ा सा फर्क है, प्रशासन का दावा है चार मकान गिरे हैं। स्थानीय लोग जो है जिनका मकान गिरा है उन लोगों का दावा है कि सिर्फ तीन मकान गिरे हैं। वहीं काफी सारे मीडिया में आया कि यहां से 400-500 मकान खाली कराए गए, तो हकीकत यह है कि सिर्फ 4-5 मकानों को जो है यहां पर ताला लगाया गया है, जो बिल्कुल जिनकी दीवारें वगैरह गिरी हुई है, सील किया गया इन मकानों को। रात के समय में अन्य आसपास के तमाम मकानों को खाली जरूर कराया गया था, लेकिन दिन के समय में ये लोग लौट कर आए। 27 जुलाई शाम को रात को पूरी मनपा की यहां पर टीम आने के बाद किस तरह से कार्रवाई की गई, कैसे लैंडस्लाइड हुआ है, ये तमाम घटनाक्रम दिखाने के बाद दूसरे दिन यहां के एक मकान मालिक युवक है, उनसे हमारी बातचीत हुई है। दूसरे दिन का कैसा नजारा है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। सिर्फ तीन मकान गिरने का यहां पर ये मकान मालिक दावा कर रहा है, वहीं बाकी के लोग यहां पर वापस लौट आए हैं। किसी तरह का जो है 400-500 मकान यहां से खाली नहीं कराए गए हैं। देखिए कैसा, ये जो कैलाशगिरी का जो एरिया है ये मुमरा बाईपास का ऊपरी भाग है, ये टोटली फॉरेस्ट का एरिया है एक्चुअली। तो ये फॉरेस्ट के एरिया में ये घरें बने हुए हैं, जैसे आप देखेंगे ये करीब 4 स्टेप्स में घर बने हुए। तो जो सबसे जो नीचे की जो स्टेप है वो पूरा धोखादायक हो गया है, क्योंकि उसके नीचे कैसे अच्छे से फाउंडेशन नहीं होने की वजह से पूरी मिट्टी मिट्टी है और जो थोड़े पत्थर थे वो भी निकल गए हैं। तो इसीलिए यहाँ के जो स्थानिक जो लोग हैं और खासकर इम्तियाज भाई, उनकी मदद से हमने जितने भी जो नीचे के लोग रहते हैं उन सबको हटा दिया है। खाली सुरक्षा के दृष्टिकोण से आज रात के लिए सभी लोगों को हम विनंती कर रहे हैं कि आप अपने रिश्तेदारों के पास चले जाइए, नहीं तो यहाँ एक अच्छी मस्जिद है अपनी, नहीं तो हमारा स्कूल है ना, क्योंकि रात में क्या होगा कोई बोल नहीं सकते। और बारिश इतनी ज्यादा हो रही है, पता चला ऊपर से कोई बड़ा पत्थर या अचानक मिट्टी बहने लग गई तो वो सभी को नीचे लेके जाएगी। तो मेरी सबसे विनती है कि आज कैलाशगिरी में जितने भी लोग हैं उन्होंने कम से कम आज रात अपने घरों में रहना नहीं है, कल सुबह बारिश का हिसाब हम देखेंगे और उसके हिसाब हम उनको बोलेंगे कि आप रह सकते नहीं, लेकिन आज रात को किसी ने नहीं रहना। करीब 4 घर गिरे, तो मुमरा प्रभाग समिति के कार्यकारी अभियंता गायकवाड़ साहब और उप अभियंता शेंजे साहब, इन्होंने तत्परता से यहाँ आके जो धोखादायक भाग है उसे सील कर दिया है और लोगों को आह्वान कर दिया है कि आप यहाँ रहेंगे नहीं। तौफीक भाई, ये कल लैंड स्लाइडिंग हुआ है, आपका घर इसमें गिरा है, ये जगह का पूरे एरिया का नाम क्या है? कैलाश जी चाल। यहाँ कितने साल से आप रहते हैं? 25 साल से आप इधर हैं। तो ये जो कल कितने बजे ये हादसा हुआ है? परसों 12 बजे हुआ है। तो कितने रूम इसमें गिरे हैं? तीन रूम। रूम में कोई था उस टाइम पे? रूम में कोई था उस टाइम पे? तीनों चोर नहीं लगा, सब बच गए। मतलब जो साइड में गिरा वो किसको कुछ नहीं हुआ। पब्लिक थी, मतलब लोग घर के अंदर रह रहे थे सब लोग? साइड में थे। अच्छा, सब ये बीच में थे और पीछे का हिस्सा गिरा है? निकलने से पहले सब निकल गए थे। अच्छा, गिरने से पहले निकल गए थे? गिरने के पहले मतलब मालूम बड़ा क्रैक हो रहा था। तो इसमें कितने तीन रूम वाले आज किधर गए हैं? सब भाड़े में, सब भाड़े पे लिए हैं। तो ये महानगर पालिका ने आज आके इस पे कार्रवाई करी है? नोटिस दिए है और सील की है आपके घर?
और अभी जाओगे तब ठीक है ना, अंधेरे में जाओगे क्या? चलो जल्दी। अजीत एक साइड, 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 ए